पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की दो बड़ी विकटें गिरा दी हैं। गुजरांवाला से नून लीग के एमएनए मियां तारिक महमूद की तहरीक इंसाफ में शमूलियत और एमएनए मियां तारिक महमूद के हलके के साबिक नून लीगी एमपीए मियां मजहर भी पीटीआई में शामिल हो गए हैं। दोनों रहनुमाओं की जहांगीर ट्रेन से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई और कुछ ही देर में दोनों रहनुमा जहांगीर खान तरीन के हमरा बनीगाला रवाना हो जाएंगे। बनीगाला में बाज़ाब्ता तकरीब के जरिए तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की दो अहम विकटें गिरा दी हैं। गुजरांवाला से नून लीग के एमएनए मियां तारिक महमूद की तहरीक इंसाफ में शमूलियत, साथ ही साथ एमएनए मियां तारिक महमूद के हलके के साबिक नून लीगी एमपीए मियां मजहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं की जहांगीर तरीन से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई और कुछ ही देर बाद दोनों रहनुमा जहांगीर खान तरीन के हमरा बनीगाला रवाना होंगे, जहाँ उनकी मुलाकात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से और बनीगाला में बाज़ाब्ता तकरीब के जरिए तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे औरंगजेब काकर से। औरंगजेब, बाज़ाब्ता पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कब तक किया जाएगा? जी बिल्कुल, मुस्लिम नून के जो मौजूदा एमएनए मियां तारिक महमूद और उनके साथ जो है नून लीग की साबिक एमपी मियां मजहर की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। मुलाकात जो है जहांगीर तरीन की रिहायशगाह पर हुई है। इस मौके पर जो है नून लीग की जो मौजूदा एमएनए है मियां तारिक महमूद के तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। उनके साथ साथ जो है गुजरांवाला के जो हल्के के साबिक एमपीए मियां मजहर।